थर्ड मेथड विच इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम मीन अज्यूम करेंगे। पर किस में से अज्यूम करोगे? एम में से, जो आपकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे वहाँ से आप अज्यूम करोगे, अज्यूम मीन। नाउ टिल नाउ यू नो द ड्रिल, न्यूमेरिकल सेम है। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है एम, तो एम हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14। हमें क्या चाहिए? अज्यूम्ड मीन चाहिए। लेट्स से वी अज्यूम 8 एज अज्यूम्ड मीन, तो यहाँ पे लिख दो 8। पहले भी हमने 8 लिया है ना, 8 हमारा आ रहा था पहले भी x बार, तो यहाँ पे हमने अज्यूम मीन भी ले लिया 8। अब हमें क्या करना है? हमें d कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो d स्क्वायर एफ डी पूछा है हमसे। अब d कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे m माइनस ए करके। यहाँ पे x बार इसीलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं विच इज डिनोटेड एज a, तो d इज इक्वल टू एम माइनस ए। आप 2 माइनस 8 करोगे तो -6, 4 माइनस 8 -4, 6 माइनस 8 -2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 +2, 12 माइनस 8 +4 एंड 14 माइनस 8 विल गिव यू +6। ये हमारा आ गया d। हमें क्या चाहिए? डी स्क्वायर भी चाहिए, तो पहले एक बार डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। तो चलो डी का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 36, 4 विल गिव यू 16, 2 विल गिव यू 4, 0 विल रिमेन 0, अगेन 2 विल गिव यू 4 एंड 4 का हो जाएगा 16 एंड 6 का हो जाएगा हमारा 36। ये हमने डी और डी स्क्वायर दोनों कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है हमें? एफ डी स्क्वायर और एफ डी चाहिए, तो पहले हम कर लेते हैं एफ डी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? एफ इंटू डी। सो देखो 1 इंटू -6 विल गिव यू -6, 9 इंटू -4 विल गिव यू -36, 25 इंटू 2 विल गिव यू -50, 35 इंटू 0 विल गिव यू 0, 17 इंटू 2 विल गिव यू +34, 10 इंटू 4 विल गिव यू +40 एंड 3 इंटू 6 विल गिव यू +18। हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी चाहिए। अब देखो जब आप कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा एफ डी हमारा 0 आ जाएगा। ऊपर भी सब में ला के 92, नीचे भी सब में ला के 92, तो हमारा जो आ रहा है प्लस माइनस का वैल्यू सब कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास सिग्मा एफ डी होगा 0। हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो अब देखो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एफ डी स्क्वायर। अब देखो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन बना दो। ये कॉलम ये हमारे काम की है। हम क्या करेंगे? एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे। देखो 1 इंटू 36 विल गिव यू 36, 9 इंटू 16 विल गिव यू 144, नेक्स्ट 25 इंटू 4 विल गिव यू 100, 35 इंटू 0 विल गिव यू 0, 17 इंटू 4 will give you 68, 10 इंटू 16 will give you 160 and 3 इंटू 36 will give you 108। ये आपका आ गया एफ डी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो इसका टोटल निकाल लो, जो हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 616। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो आपके पास में वैल्यूज है जो फॉर्मूला में पुट करनी है। यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लेते हैं, अपना n क्या है? सिग्मा f है, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू सिग्मा f इज इक्वल टू 100। ये वैल्यू भी आ गई। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। देखो डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो है हमारा 616 अपॉन n विच इज 100 माइनस x माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सिग्मा एफ डी आपका क्या आया था? 0 अपॉन एन क्या था हमारा? 100 और इसका स्क्वायर। कुछ भी कर लो, सब 0 ही आने वाला है लास्ट में। तो क्या कर लोगे यहाँ पे? 6.16 माइनस 0, सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 6.16। फाइनल आंसर आ जाएगा 2.48। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू शॉर्टकट मेथड, जिसे हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। Now let us move on to the step deviation.